हेलो, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ माता रानी के गुरु आप लोग ठीक है होंगे। तो प्लीज़ आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ कि समोसे में जो लाल चटनी वो कैसे बनाया जाता है और समोसा में का मसाला में बना रहा था। प्लीज़ आप लोग बने रहे। तो दोस्तों, ऑलरेडी मेरा तेल गर्म हो गया, तो इसमें मैं सौंफ और धनिया लिया हूँ। पेस्ट में डाल दिया, अदरक और लहसुन का पेस्ट है। तो दोस्तों, चटनी का भी बना मालूम कर रहा हूँ। चटनी का भी ले लिया हूँ। इसमें ऑलरेडी सूप पड़ता है। चटनी को थोड़ा लाल मिर्च पड़ता है, तो लाल मिर्ची डालना। तो दोस्तों, हमें आधी से आधी चम्मच रेड मिर्ची ले ली, रेड चिल्ली ले ली, पाउडर ले लिया हूँ। तो ये थोड़ा ही पड़ता है दोस्तों चटनी में, तो मैं इसको ऐड कर रहा हूँ। इसके साथ साथ देखते रहिए आप लोग। तो दोस्तों, अब मैं समोसा का जो मसाला बन रहा है उसका मैं मसाला बनाने मतलब निकालने जा रहा हूँ। देखिए दोस्तों, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, ये हो गया आपका गरम मसाला, ये हो गया आपका हल्दी पाउडर, ये हो गया आपका सॉल्ट, नमक, और इधर किचन की ये सब डालना है। तो प्लीज़ आप लोग बने रहे, मैं आप लोग को प्रोसेस बता रहा हूँ। दोस्तों, मैं ऐड कर दी गरम मसाला। दोस्तों, हमारे मसाला ऑलरेडी बन चुकी है। तो अब मैं इसमें चटनी रेडी करने जा रहा हूँ। चटनी जो वाला है इसका मैं रेडी करूँ। तो दोस्तों, हमारे इमली का पानी है तो ऑलरेडी भीग चुकी है, फूल चुकी है, तो मैं इसको भी ऐड करने जा रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, इसमें मैं ऐड कर दिया इमली पानी। दोस्तों, में चटनी में ऐड करने जा रहा हूँ नमक। तो दोस्तों, मैं चटनी में कॉर्नफ्लावर ऐड करने जा रहा हूँ। ये कॉर्नफ्लावर हो गया। तो दोस्तों, हमारी चटनी देखो एकदम गाढ़ा सा हो गया है, एकदम समोसे के बीच में जाएगा, एकदम आदमी लोग खुश हो गए। तो ये दोस्तों, मैं आप लोग से इतना विदा लेता हूँ। तो आप लोग चटनी भी देख ले और मसाला भी देख ले कैसा। तो प्लीज़ आप लोग को अगर समोसा चटनी के बारे में कुछ जानकारी दे तो मुझे कमेंट करके बताएगा। और दोस्तों, चटनी खट्टा मीठा था और हल्का तीखा, और हल्का तीखा समोसा हो और खट्टा मीठा चटनी हो तो बहुत आनंद आता है दोस्त खाने में। आप लोग को मैं एक बार वो चला के दिखा देता हूँ, ठीक है, जहाँ पे हमारे नाश्ते का प्रोसेस भी चल रहा है। ये रहा मसाला। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग बोल, हाय गुड मॉर्निंग। तो हेलो गाइस, देखिए आप लोग उधर इधर थोड़ा दिक्कत होती है, तो प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को पूरे वर्ल्ड के साथ देखिएगा। तो मैं श्रद्धा माता रानी के द्वारा आप लोग फिर देख रहे हैं। आप लोग सभी इतना ही देख लेता हूँ। अब तक लिए जय माता दी, जय मिथिला, जय हिंद, जय।